तो शॉक लॉस नॉन ट्रांसप्लांटेड बालों में होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और वो रिसिपिएंट एरिया में भी हो सकता है और डोनर एरिया में भी हो सकता है। क्या कारण होते हैं शॉक लॉस के? अगर हम रिसिपिएंट एरिया की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा ही हाई डेंसिटी देने की अगर हम कोशिश करते हैं तो शॉक लॉस हो सकता है, या फिर हम अगर मैग्निफिकेशन यूज़ नहीं करते हैं तो शॉक लॉस हो सकता है, या फिर अगर हम एड्रेनलिन की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो भी शॉक लॉस हो सकता है। अगर हम बात करें डोनर एरिया की कि डोनर एरिया में शॉक लॉस क्यों होता है, तो उसका कारण जो होता है मोस्ट कॉमनली वो होता है बड़े साइज का पंच यूज़ करना, ओवर हार्वेस्टिंग करना, और या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में एड्रेनलिन यूज़ करना। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखते हैं तो जो शॉक लॉस होता है वो टेम्पररी होता है, बट कुछ केसेस में वो परमानेंट भी होता है और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब